हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट टैनिंग, लेकिन वो हमारी फेस की टैनिंग नहीं है, तो फिर हम किस बारे में बात करेंगे? यहाँ जितने भी स्किन केयर और हेयर केयर जंकीज है वो इस बात से तो जरूर एग्री करेंगे, जब भी आती है स्किन केयर की बात, हम सिर्फ इस एरिया के बारे में बात करते हैं, इस एरिया के बारे में सोचते हैं। जो हम भूल जाते हैं वो है हमारे हैंड्स और हमारे लेग। कहते हैं ना, मोर अपने पैरों की तरफ देखकर रोता है। वैसे ही जब हमारा फेस बहुत अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है हम कॉन्फिडेंट है, लेकिन हमारा जैसे ही ध्यान चले जाए अपने टैंड हाथों पर और पैरों पर, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाता है। तो उसी कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आज ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे टैंड हैंड्स और टैंड लेग्स की। बहुत ही इजी सा टू स्टेप रूटीन है ये, जो आप हफ्ते में एक बार भी कर लोगे ना, टैन का तो नामो निशान नहीं रह जाना। जब से मैंने अपने हाथों के कलर डिफरेंस के बारे में आप सबसे बात की है, आप सबको दिखाया कि इट्स इंप्रूविंग, तब से आप सबने मुझे बोला कि मैम प्लीज प्लीज एक वीडियो जरूर लेकर आइए। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस सेम, एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप मेरे पैर देख सकते हो इस वक्त कैसे लग रहे हैं, और अब बिफोर एंड आफ्टर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि रिजल्ट कितने अच्छे और कितने इंस्टेंट आते हैं इससे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो एक रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं करती आई हूँ पिछले 5 सालों से मैं ये चीज करती आई हूँ, और मेरे लिए इसने बहुत अच्छा काम किया। जब भी मुझे लगता है ना स्टबन टैन हो गया, ये मैं एक दो बार तो कर ही लेती हूँ, एक दो बार में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है, उसके 2 हाफ्स करने हैं। आप एक हाथ के लिए एक हाफ रखो, दूसरे हाथ के लिए दूसरा, और आपको लेना है बेकिंग सोडा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई बेकिंग सोडा हम तो स्किन पे यूज नहीं करेंगे, उसका ये हो जाता है वो हो जाता है। आप उसे कहाँ पर यूज करें वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेकिंग सोडा अपने फेस पे यूज करने लग जाओगे जिसकी स्किन इतनी पतली होती है, तो वो तो फिर साइड इफेक्ट करेगा ही, आपको ब्रेकआउट होना चालू हो जाएंगे, आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, वो इरिटेट हो जाएगी। तो कभी भी अपने फेस पे डायरेक्टली आपको बेकिंग सोडा यूज नहीं करना है। बट हैंड्स की जो स्किन होती है वो मच थिकर होती है आपके फेस से, तो उस पर आप सेफली यूज कर सकते हो। आपको उसे बेकिंग सोडा में डिप करना है और इस तरीके से अपने हाथों पर मसाज करनी चालू करनी है। स्पेशली जिनको नकल इश्यूज है, जैसे मेरे जो स्पेशली नकल्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है डार्कनिंग की, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको 5 मिनट तक अच्छे से उसे अपने हाथों पर जो है इस तरीके से रोटेट करते हुए कि नींबू का रस भी निकल रहा है, बेकिंग सोडा में बार बार डिप करिए अच्छे से। आप उसको एक्सफोलिएशन आपको बेसिकली यहाँ पर करना है, बिकॉज बेकिंग सोडा इज अ वेरी गुड एक्सफोलिएंट, तो आपके हाथों को अच्छे से एक्सफोलिएट कर देगा। सेम प्रोसेस बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट आपको अपने पैरों पर भी करनी है। पैरों पर तो आप देखना इतने सही रिजल्ट आएंगे, एक बार को हाथ पे भी कम टैनिंग होती है, लेकिन पैर एक ऐसी चीज है जिसका हम ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो वहां पर जब आप करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा भाई कितनी मिराकुलस ये रेमेडी है। एक बार आप 5-5 मिनट के लिए अपने हाथों पर और पैरों पर मसाज कर लेते हैं, उसके बाद में 2 मिनट और आपको इसको रखना है, देन यू कैन जस्ट वॉश इट अवे। इस एक्सफोलिएंट से ना इतना स्ट्रॉन्ग है ना, आपको इतना सही एक डिफरेंस दिखने लग जाएगा, जो शायद जिनको बहुत एक्सट्रीम टैनिंग है ना वो तो पक्का ही नोटिस कर लेंगे। हमारा एक्सफोलिएशन हो चुका है, अब हम आएंगे पैक पर। पैक जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ बहुत ही इजी है इसको प्रिपेयर करना। आपको किचन में से थोड़ा बहुत सामान लगेगा, थोड़ा बहुत वही सामान लगेगा जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। तो पहले आपको लेना है 4 से 5 चम्मच आप ले सकते हो बेसन, इसको एक बाउल में आप डालिए। उसके बाद आप इसमें डालेंगे बेंटोनाइट क्ले, मैंने बहुत बार मेंशन किया अपने वीडियोस में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो, वहां से परचेज कर लो, अमेज़न पे इजीली मिल जाएगा। इन केस किसी को बेंटोनाइट क्ले नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज कर सकते हो, बट प्रेफरेबल है बेंटोनाइट क्ले। Step 3 है योगर्ट ऐड करना। योगर्ट के अगेन आपको 4 से 5 चम्मच ऐड करने, एक अच्छा सा थिक पेस्ट बना लेना है। योगर्ट ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत सही है, लेकिन अगर किसी की बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, जैसे मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ रॉ मिल्क। दोनों में आपके पास ऑप्शन है, चाहे योगर्ट यूज कर लो चाहे रॉ मिल्क यूज कर लो, एक अच्छा थिक पेस्ट आपके पास निकल कर आ जाना चाहिए। रॉ मिल्क की भी आप 4 से 5 टीस्पून आप उसको डालिए, आपका पेस्ट रेडी हो जाएगा। एंड में आपको इसमें थोड़ा बहुत रोज वाटर ऐड करना है फॉर दैट गुड फ्रेग्रेंस, और एक रोज वाटर की इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है, इट्स अ गुड टोनर एंड एवरीथिंग, तो वो भी आपको इसमें ऐड करना है। ये पेस्ट रेडी होने के बाद आपको अपने पैरों पर इसे लगाना है, चाहे ब्रश की हेल्प से लगाइए चाहे हाथों की हेल्प से लगाइए, और सेम चीज आपको अपने हाथों पर करनी है। देखिए मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, मुझे चाहिए कि सिंपल से सिंपल मैं रेमेडी आपको बताऊं जो आप भी इजिली फॉलो कर पाओ, एंड आपके लिए ज्यादा झंझट ना हो कि 10 चीजें यहां से ला रहे हैं 10 चीजें यहां से ला रहे हैं। बहुत ही इजी सी चीज है, बहुत ही इजी सा रूटीन है। जैसे ही आपने इसको लगाया, इसको 5 से 6 मिनट जब तक कि एकदम ड्राई ना हो जाए, अपने हाथ और पैर दोनों पर इसे रखो, एंड उसके बाद यू कैन जस्ट वॉश इट अवे विद नॉर्मल वाटर। इस रूटीन को करने के बाद में आप मेरा ही बिफोर आफ्टर देख लो, कितना बड़ा डिफरेंस है इन जस्ट वन यूज। और मैं कह रही हूँ जिसको एक्सट्रीम वाला टैनिंग है ना वो तो भयंकर रिजल्ट देखने वाला है, बट आपको नॉर्मल टैनिंग भी है तो भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट देखने वाले हो। हफ्ते में मुश्किल से एक बार कर लो बहुत है, 2 बार भी मत करो। आई एम कीपिंग एवरीथिंग वेरी सिंपल जस्ट सो यू गाइस कैन
एंड फॉलो इट रिलीजियसली। मेरे रिजल्ट तो आपने देख ही लिए, अपने रिजल्ट आपको मुझे इंस्टाग्राम पर भेजने हैं। सब पिक्चर क्लिक करेंगे बिफोर एंड आफ्टर एंड मुझे भेजेंगे, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो गाइज ये था मेरा एक बड़ा ही छोटा सा रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ जब मेरे को हाथों पर या पैरों पर टैनिंग हो जाती है, एंड आई एम 100% श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा करना है इसे शेयर जिन्हें भी इसकी जरूरत है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप ग्लोइंग, बाय बाय।